हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लुकेसर अनलिमिटेड स्टडी ओन लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो सारे पॉइंट आपको टिक मार्क दिख रहे हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे और इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं आपका मेनली जो डेरिवेशन है अक्षी स्थिति का निरक्षी स्थिति का चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, की प्रॉपर्टी इनकी विशेषताएँ ठीक और अब देखिए अब अगला जो उसके बाद हमने बताया था एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में रखे हुए चुम्बकीय आघूर्ण पर लगने वाला बलयुग में तो वो होता है टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर कैपिटल एम आएगा क्या आएगा कैपिटल एम क्योंकि कैपिटल एम इन टू बी इन टू साइन थीटा मैंने स्मॉल एमोट और कैपिटल एम के बारे में बताया था कि जो स्मॉल एम होता है वो ध्रुव प्राबल होता है और कैपिटल एम जो होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हुआ करता है क्लियर है ना चलिए ये बात हो जाने के बाद आज अपन पढ़ते हैं धारावाही परिनालिका तो परिनालिका का इस चैप्टर में केवल और केवल इंट्रोडक्शन है परिनालिका के अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हम निकाल चुके हैं बायोड सेवर्ट लॉ से चैप्टर नंबर फोर में इसमें केवल धारावाही परिनालिका का इंट्रोडक्शन है कि धारावाही परिनालिका जो होती है वो क्या हुआ करती है तो डायग्राम में देखिए धारावाही परिनालिका कैसे बनती है बहुत आसान कंसेप्ट है धारावाही परिनालिका का मान लीजिए आपके पास में कोई नलिका है कोई भी आपके पास पुराना पेन वगैरह है उस पेन के ऊपर आप जो है कॉपर के वायर को इंसुलेट करके एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर टच ना हो और अगर टच हो तो ऐसा कुछ जुगाड़ करिए कि ये वायर एक दूसरे से फिजिकली रूप से एक दूसरे को स्पर्श ना करें मतलब वायर के ऊपर कोई थोड़ी पतली सी कोटिंग वगैरह अगर आप लगा देते हैं उस कोटिंग को बोलते हैं विद्युत रोधन उस कोटिंग को बोलते हैं विद्युत रोधन और ये जो दोनों तार निकले हैं इस तार को अगर आप ये प्लस और ये माइनस से अटैच कर दें तो देखिए जैसे ही तार जाएगी तो यहाँ पर फ्लक्स सेट हो जाएगा और फ्लक्स एक स्थान से निकल करके दूसरे स्थान पर जाएगा और वापस आएगा तो ये एक पोल आपका नॉर्थ बन जाएगा और एक पोल आपका साउथ बन जाएगा तो जो आपके पास में परिणालिका होती है वो किसके तरह व्यवहार करती है परिणालिका जो होती है एक अस्थाई दंड चुंबक के तरह व्यवहार करती है ओके अस्थाई दंड चुंबक क्योंकि स्थायी दंड चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो कभी ना समाप्त होने वाला होता है और वो लगातार बना रहता है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए कोई बटन वगैरह कोई स्विच नहीं होता है बट यहाँ पर आपके पास स्विच लगा है जैसे ही आप स्विच को ओपन करोगे करंट जाना रुक जाएगी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा जीरो परंतु जैसे स्विच को ऑन करोगे और करंट जाएगी है ना तो चुंबकीय क्षेत्र फिर से जीवित हो जाएगा मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आपका ऑन और ऑफ विद द हेल्प ऑफ बैटरी कर सकते हो स्विच लगा करके कर सकते हो इसलिए ये जो सिस्टम है इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रो क्या बोलते हो इसको इलेक्ट्रों। हाँ इलेक्ट्रो भी बोलते हो क्योंकि यहाँ पर ये जो चुंबक आ रहा है ये विद्युत की मदद से ऑपरेट होता है तो इलेक्ट्रो की मदद से चलने वाला मैग्नेट इलेक्ट्रो इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबक इसे कहते हैं विद्युत चुंबक आइए तो पढ़ते हैं प्रणालिका के बारे में क्या लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ पे का धारावाही का की परिभाषा लिखी हुई है विद्युतवाही परनाल का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है अभी मैंने बता दिया आपको केवल अंतर यह होता है कि छड़ चुंबक के सिरों Osionfish. पर चुंबकत्व अधिकतम व मध्य में न्यूनतम होता है हाँ जो छठ चुंबक होता है उसके जो चुंबकत्व होते हैं चुंबकत्व जो पोल होते हैं वो कोने पर बैठे होते हैं तो यहाँ पर चुंबकत्व अधिकतम होता, होता है और यहाँ पर चुंबकत्व न्यूनतम होता है और सॉरी 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 यहाँ पर चुंबकत्व अधिकतम और यहाँ पर चुंबकत्व अधिकतम और बीच में न्यूनतम होता है मगर धारावाही परिनालिका में हर जगह चुंबकत्व एक समान हुआ करता है ओके अंदर जो चुंबकत्व होता है इसके वो कैसा होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म एक समान यहां पे बीच में कम हुआ करता है चुंबकीय क्षेत्र ठीक है ना और यहां पर ज्यादा हुआ करता है किसमें छड़ चुंबक में परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है. तो देखिए क्या लिखा है किसी चुंबक यहां पर थे हम हाँ केवल अंतर यह होता है कि क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकत अधिकतम व मध्य में न्यूनतम होता है जबकि विद्युतवाही प्रणालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकत्व एक समान होता है केवल सिरों के पास ही चुंबकत थोड़ा सा कम होता है यस केवल सिरों के पास चुंबकत थोड़ा सा कम होता है मैं आपको परिभाषा लिखा देता हूँ बच्चों थोड़ा सा डेरिवेशन नोट कर लीजिए हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि अगर आपके पास कोई परिणालिका है तो परिनालिका के अंदर जो चुंबकत्व होता है वो कितना हुआ करता है परिनालिका के अंदर चुंबकत्व एक समान होता है और इस चुंबकत्व का मान लिखिए B बराबर म्यू नॉट एन आई बी बराबर म्यू नॉट एन आई एन क्या है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन के स्मॉल बराबर एन बाई एल ठीक है ये चैप्टर नंबर फोर में एम्पियर सर्कुटल लॉ से डेवलप किया जा सकता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई जहाँ एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल डन <coughs> ये।, ये हो गई एक बात अब इसके बाद इसके किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा कम होता है कितना होता है बी बाई टू है ना किनारों पर तो किनारे को इंग्लिश में बोलते हैं एंड बी एंड तो लिख लीजिए बी एंड बराबर बी बाई टू बोले तो म्यू नॉट एन आई अपॉन दो म्यू नॉट एन आई अपॉन टू ठीक है तो इसके जो किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना हुआ करता है वो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन टू म्यू नॉट एन आई अपॉन टू जी और बाहर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है बाहर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा ठीक है ना यदि इसके ग्राफ की आप बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है देखिए बहुत पहले मैंने इसका एक ग्राफ पढ़ाया था बच्चों को कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बना करता है ये देखिए अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग बराबर हुआ करता है तो अंदर क्वल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है किनारों पर जैसे आप थोड़ा सा बाहर आते हैं तो किनारों पर जस्ट आधा हो जाता है ये किनारे हैं है ना ये B है यहाँ पे कितना हो जाएगा B बाई टू बी बाई टू और जैसे जैसे आप बाहर आते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा ठीक है ना और एकदम क्वाइल के बाहर पहुँच जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा जीरो बाहर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा जीरो ठीक डन समझ में आ गया बच्चों <laughs> ओके चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर नोट कर लीजिएगा चुंबकीय आघूर्ण बता दिया था मैंने उस दिन चलिए अब आज से टॉपिक नया शुरू होता है इसका जिसका नाम है भू चुंबकत्व टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म ठीक है ये टॉपिक जो है एक थ्योरी वाला टॉपिक है यहाँ पर दो टॉपिक एक तरीके से देखिए जो चैप्टर था इस चैप्टर का नाम था चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ तो इस चैप्टर को तीन पार्ट में संभाला गया है इस चैप्टर का नाम था चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ ये जो चैप्टर है इसको तीन पार्ट में डिस्कस किया गया पहला है पहला पार्ट है चुंबकत्व तो चुंबकत्व में ही दो पार्ट है एक चुंबक का चुंबकत्व एक है चुंबक का चुंबकत्व और दूसरा है भाई साहब पृथ्वी का चुंबकत्व पृथ्वी का चुंबकत्व तो पृथ्वी के चुंबकत्व को हम लोग बोलते हैं जियोमैग्नेटिज्म क्या बोलते हैं इंग्लिश में बड़ा प्यारा वर्ड है ये और बहुत काम में आता है जियो मैग्नेटिज्म हिंदी में इसको बोलते हैं पार्थिव चुंबकत्व पार्थिव मतलब पृथ्वी का तो पार्थिव चुंबकत्व इसे हिंदी में बोलते हैं आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये हाँ क्या पढ़ते हैं इसके बारे में तो दिखा है पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है पृथ्वी के इस चुंबकत्व को भू चुंबकत्व यानी पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं भू चुंबकीय प्रतत्वों के आधार पर किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय चुंबक पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है अब भू चुंबकत्व के तत्व कौन कौन से होते हैं वो कौन से तत्व हैं जिनसे पृथ्वी के चुंबकत्व को पढ़ा जाता है आपने देखा कि किसी चुंबक के चुंबकत्व को तत्व को अध्ययन करने के लिए हमने देखा किसी चुंबक के अंदर ध्रुव होते हैं दोनों के बीच की दूरी हुआ करती है ओके दोनों के बीच की दूरी हुआ करती है अब पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व को अध्ययन करने के लिए भी कुछ तत्व होते हैं उन तत्व को अपनी कॉपी में लिखिए एक होता है दिक्पात कोण या उसे दिखपात ही बोलते हैं चाहे आप उसे दिक्पात बोल दो या दिक्पात कोण बोल दो बात बराबर है दूसरा होता है नमन कोण ठीक है ना और तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक भू चुंबकीय तत्व हैं तो तीन तत्व यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं एक है दिक्पात कोण एक है नमन कोण और एक है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ये तीन घटक आपको स्टडी करने हैं मेनली और भी होते हैं मगर हमारे मेन के मेन यही हैं एक है नमन कोण और एक है दिक्पात कोण और एक है आपका क्या बताया छत्रपाल क्या बताया चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अब इन तीनों को हमको अच्छे से डिटेल में जानना है समझिए क्या होता है ये हमारी पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी है ये पृथ्वी की घूर्णन अक्ष है पृथ्वी जिस अक्ष के परते घूमती है घूमती उसको उसको अक्ष बोलते हैं अक्ष के सबसे ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव है और सबसे नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव है ओके तो ये जो है थोड़ा जल्दी आ जाओ तो ये घूर्णा नक्श है ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव है देखो उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक बोलते हैं क्या बोलते हैं भौगोलिक और भौगोलिक को इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफिक तो ये जो पोल है ये जियोग्राफिक नॉर्थ है और ये जो पोल है ये जियोग्राफिक साउथ है बोलो ये yes सोनू no? yes. तो, तो उल्टा लिख दिया मैंने साउथ जियोग्राफिक साउथ जियोग्राफिक बहुत बढ़िया और इससे 11 डिग्री लगभग कोण बनाते हुए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव रखे हुए हैं ये देखो एक यह यहाँ रखा हुआ है और एक यह यहाँ रखा हुआ है इन अक्षों के परतः पृथ्वी घूमती है वो एक अलग बात है मगर 11 डिग्री कोण पर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव रखे हुए हैं और चुंबकीय ध्रुव जो है बेटा उल्टे रखे हुए हैं जहाँ पर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है बोलो समझ में आया कि नहीं आया और जहां पर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है वहां पर चुंबकीय कौन सा ध्रुव है नौर्थ, मतलब नौर्थ ये डायग्राम बोलो अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ नॉर्थ ज्योग्राफी के पास और साउथ ज्योग्राफी के पास कौन है नॉर्थ मैग्नेटिक समझ में आया तो अब यहां पे अंदर ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के इस पोजीशन पर एक बहुत बड़ा चुंबक काम कर रहा है जिसके कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ओके तो ये बन गई पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष कौन सी बन गई चुंबकीय अक्ष अब दो अक्ष मिल गई है एक है भौगोलिक अक्ष और एक है चुंबकीय अक्ष भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच के कोण को बोलते हैं दिक्पात कोण क्या बोलते हैं बच्चों दिक्कपात कोण इसे दिखपात भी बोलते हैं ये जो कोण कहलाता है बेटा ये कहलाता है दिक्कपात कोण अब एक वर्ड आता है यामोत्तर ठीक है ना एक वर्ड आता है यामोत्तर तो एक होता है भौगोलिक यामोत्तर और एक होता है चुंबकी यामोत्तर देखो ये अक्ष है पृथ्वी की ठीक है ना अब आप इस अक्ष के प्रत एक बड़ी सी प्लेट कार्डबोर्ड की बड़ी सी प्लेट आप ऐसे डाल दो अंदर की तरफ तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा पृथ्वी को दो पार्ट में तोड़ देगा बोलो समझ में आया यस की नो ऐसे बीच में से आपने डाल दिया डाल दिया और एक आपके पास ये जा रहा है ये ये क्या है ये आपका चुंबकीय अक्ष है कि नहीं बेटा और आपने यहाँ से भी एक बड़ी सी प्लेट डाल दी बेटा यहाँ से भी आपने एक बड़ी सी प्लेट डाल दी तो ये क्या बन गया ये बन गया चुंबकीय यामोत्तर क्या बन गया बेटा हाँ चुंबकीय यामोत्तर मतलब चुंबकीय अक्ष से जाने वाला जो तल होता है उसे बोलते हैं आप चुंबकीय यामोत्तर और चुंबकीय और इससे क्या बोलते हैं इसको भौगोलिक भौगोलिक अक्ष से जाने वाला जो तल होता है उसको हम क्या बोलते हैं बोलो भौगोलिक यामोत्तर है ना तो दोनों के बीच का कोण यहां पर जो आपको दिख रहा है वो क्या है दिक्पात कोण कौन।, कौन सा कोण है ये दिक्पात कोण ठीक ना इस डायग्राम को बनाइए ये डायग्राम थोड़ा सा मदद करेगा आपकी इसको पहले बनाइए जल्दी से दो मिनट दे रहा हूं आपको चलिए तो ये दो प्रकार के कोण हो गए अब देखिए यहां पे यदि हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से वितरित होता है थ्री में ये क्षेत्र जाएगा जैसे ये लाइन यहां से गई यहां से आई और फिर इसके अंदर जाकर के लौट करके आती है ऐसे यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेटिक से निकलेगी और साउथ मैग्नेटिक से जाएगी इस तरफ से भी तो ये पूरा घूम करके वापस आएगी देखिए अच्छा डायग्राम बनाइए आप लोग इसका यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ये आपको गलत हो गया ये थोड़ा सा कट गई ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है आपको ये टू में दिखाई दे रही तो केवल सामने सामने दिखाई देंगी बट सही क्या है ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस हर दिशाओं में थ्री में पूरे तरफ भरी होंगी क्लियर हो रहा है तो इस तरीके से ये पृथ्वी जो होती है एक बड़े चुंबक के तरह व्यवहार करती है ठीक है पृथ्वी जो होती है एक बड़े चुंबक की तरह व्यवहार करती है अब एक चीज़ देखिए बच्चों भैया ये जो आपके पास में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है अब इतना घना हो गया है इसको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ देखिएगा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ऊपर पे तो ऊपर पे जो नॉर्थ पोल है उस पर जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस आ रही हैं वो सीधे नॉर्थ पोल पे लंबवत आ रही है आ रही कि नहीं आ रही है बोलो और साउथ पोल पे भी पृथ्वी के बिल्कुल कैसे आ रही हैं लंबवत आ रही है बोलो ये सोनो आ रही है ना तो इसका इस, इस डायग्राम को देख करके आप यहां पर यह पता लगा सकते हैं कि पोल पर ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं क्षैतिज घटक वो कितना होता है जीरो कितना होता है जीरो ध्रुवों पर जो चुंबकीय क्षेत्र का छैतिज घटक बनेगा वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा समझ गए ना यदि आप किसी भी पॉइंट पर घटक निकालें जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप किसी पॉइंट पर घटक निकालते हैं तो दो घटक आपके सामने निकलते हैं एक निकलेगा हॉरिजॉन्टल और एक निकलेगा वर्टिकल क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक तो जब ये लाइन यहाँ पर आएगी इस बिंदु पर तो ये सीधे अंदर जाएगी हाँ या ना तो इस पर केवल और केवल घटक बचेगा, घटक कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो सवाल उठता है कि ध्रुवों पर क्षैतिज घटक क्या होता है ध्रुवों पर घटक जीरो डिग्री हुआ करता है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर हुआ अब देखो भाई साहब एक यहां पे बात करते हैं नमन कोण की नमन कोण जिसको है, है ना नमन कोण जो आया था अभी बीच में उसकी बात करते हैं नमन कोण क्या होता है देखो ये जो है ये क्या है इसकी तीव्रता ये क्या है प्रणामी तीव्रता इस बिंदु पर कौन सी तीव्रता दिख रही है प्रणामी तीव्रता ये जो बी मैंने बनाया है ये कौन सी तीव्रता है प्रणामी तीव्रता और ये कौन सी तीव्रता है ये है तीव्रता का क्षैतिज घटक जिसको बी एच बोलते हो क्या बोलते हो जिसको बी एच बोलते हो कुछ कुछ जगह पे एच सीधे बोला जाता है ना तो भाई ये जो है यह आपका छैतीस घटक है और ये आपके साथ कितना कोण बना रहा है बी के साथ डेल्टा कितना कोण बना रहा है डेल्टा इस कोण को बोलते हैं नमन कोण मतलब सीधी सीधी बात है चुंबकीय क्षेत्र की, की परिणामी दिशा और क्षेत्र की हॉरिजॉन्टल दिशा है ना यानी कि छैतीस दिशा के साथ जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या बोलते हैं नमन, नमन कोण चलिए देखिए तो आगे इसको पढ़ते हैं क्या क्या कंसेप्ट कह रहा है यहाँ पे यहाँ पे कह रहा है कि, कि किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को उस स्थान का दिक्पात कहते हैं दिक्पात कोण भी बोला जाता है अभी मैंने बताया आपको डायग्राम में कि भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्र भौगोलिक अक्ष के लंबवत जो तल जाता है उसे भौगोलिक यामोत्र कहते हैं और चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो तल जाता उसे है उसे चुंबकीय यामोत्र कहते हैं उन दोनों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं दिक्पात कोण कहते हैं जी हाँ अब इसके बाद बात करते हैं नतिकोण है ना कोण या नमन कोण दो कंसेप्ट है कोण या नमन कोण तो मैंने अभी अभी आपको डायग्राम से बताया कि हर बिंदु पर एक परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है हर बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हुआ करता है और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ उस बिंदु पर दो घटक बनते हैं तीव्रता के एक बनता है क्षैतिज घटक और एक बनता है आपका ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक और घटक, तो मान लीजिए आप पृथ्वी के किसी बिंदु पर बैठे हुए हैं और यह आपकी प्रणामी तीव्रता की दिशा है ये आपकी प्रणामी की दिशा है, ओके तो यह इस दिशा के दो कंपोनेंट है यह मुख्य दिशा है बी प्रणामी चुंबकीय क्षेत्र बी है यह घटक है क्षैतिज घटक और यह घटक है इसका वर्टिकल घटक उर्धारधर घटक ये वाला कोण आपके काम का है ये जो कोण कहलाता है इसे बोलते हैं नमन कोण या नति कोण अब इस बात को महसूस कीजिए अगर चुम्बकीय क्षेत्र उठता जाएगा उठता जाएगा उठता जाएगा उठता जाएगा और एक समय ये चुम्बकीय क्षेत्र इसके अलाइंड हो जाएगा बिल्कुल ऊपर हो जाएगा यस yes. मतलब वर्टिकल के साथ में पहुंच गया बी बी की डायरेक्शन बी के साथ हो गई तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ कोण कितने डिग्री हो गया 90 डिग्री इसका मतलब इस समय आप किस अवस्था में है इस समय आप जो हैं ध्रुवों पर हैं क्योंकि ध्रुवों पर जो कोण होता है कोण नमन कोण कितने अंश होता है 90 डिग्री चलिए देखिए इसको हाँ किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण या कोण ध्यान से देखना क्या बोला है किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कौन के साथ क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है छतिज हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण या नति कोण कहते हैं ओके अब दो चीजें होते हैं एक होता है चुंबकीय अक्ष और निरक्ष तो अक्ष देखा आपने चुंबकीय अक्ष जो होता है ये मान लीजिए पृथ्वी है ये चुंबक का अक्ष है थोड़ा गलत बन गया ये चुंबक का ये भौगोलिक है और ये चुंबक का अक्ष है तो ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा चुंबक का निरक्ष इन पोजीशन पर थीटा मैंने बताया कितने डिग्री होता है 90 डिग्री जो यहाँ पे होता है नमन कोण और इन पोजीशन पर वर्टिकल का कंपोनेंट गायब हो जाएगा केवल थीटा कितने डिग्री हो जाएगा जीरो डिग्री तो ये जो जगह कहलाती है ये कहलाती है विशुवत रेखा क्या कहलाती है विशुवत रेखा इक्वेटर बोलते हैं और ये तो अक्ष होती है है ना तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं चुंबकीय निरक्ष विश्वत रेखा पर नमन कोण का मान शून्य डिग्री होता है और ध्रुवों पर नमन कोण का मान सर्वाधिक होता है इसका मापन नतिमापी एक नतिमापी एक यंत्र होता है उसकी सहायता से किया जाता है नतिमापी एक यंत्र होता है इसकी सहायता से नमन कोण का मान ज्ञात किया जाता है चलिए इसको अब आगे कल कंटिन्यू करते हैं